हेलो एवरीवन। तो गाइस बहुत सारे लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप जो हो वो आप इस जर्नी में हमारे साथ रहो। तो थोड़ा सा भी वक्त मिला है, हम मिलने जा रहे हैं और हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो आपको ब्लॉग में पता चलेगा व्हाट विल बी, बट समथिंग वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। आपके लिए तो नहीं पर हमारे लिए है और बहुत उठापटक होने वाली है। हाँ, और उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, यहाँ के रूल्स के बारे में, यहाँ क्या क्या करना होता है, प्लस हमारे स्ट्रगल एज ए इंडियन कपल यहाँ पर, तो आपको सारी चीज पता चलेगी। तो बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी और टाइम टू टाइम आपको सारी चीजें तो हम लोग बताएंगे ही। तो हाउ एक्साइटेड यू आर उसके लिए ज़रूर कमेंट करो, बिकॉज वी आर सुपर एक्साइटेड। बहुत काम करना है बट वी आर एक्साइटेड टू डू दैट। तो ठीक है गाइज, अभी मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन डालती हूँ और जो जो भी होता रहेगा हमारे साथ, जो भी घटता रहेगा, वो हम आपको बीच बीच में अपना शूट करते रहेंगे और डालते रहेंगे। आज कहाँ जा रहे हो दीपक? आज जा रहा है यारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ। अलाउड है ऐसे? अलाउड नहीं है, ये तो फंसा दिया यार, इसमें सवाल है। अलाउड तो नहीं है पर हम थोड़ी देर में मिलकर आ जाएंगे, मतलब तीन लोग अलाउड है, हम चार हैं तो क्या करें। थोड़ी देर सुरभि को कार में बैठाएंगे, थोड़ी देर मैं कार में बैठूंगा। कोशिश करूंगी कि मैं डे टू डेली ब्लॉग बनाऊं अभी कुछ टाइम के लिए। दीपक तुम मेरी हेल्प करोगे 100% एडिटिंग करने में? हाँ जरूर, पक्का? पर संतुष्टि की गारंटी नहीं है। कोई बात नहीं, कर लोगे तुम, पता तुम मुझसे ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो। आई नो माय गॉड, आई नो दैट। हाँ, तुम ड्रोन शॉट्स कितने अच्छे लेते हो, आई कैन नॉट डू दैट। मैं क्या बोलूँ, मुझे स्पीचलेस कर दिया। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को डेली ब्लॉग के थ्रू पता चलो, मतलब सब बताऊँ, ताकि आपको एक्चुअली में ये जो हमारी जर्नी है, ट्रांजिशन वाली जर्नी है, वो आप भी वही एक्सपीरियंस कर सको जो हम कर सकें। मेन मोटिव वही है, नए लोग जो यहाँ आते हैं। आप भी उतने ही परेशान हो जितने हम हो रहे हैं। हाँ। समझो। हाँ, हर दिन कौन सी चुनौतियाँ होंगी हमारे सामने हमें नहीं पता, पर हम आई एम श्योर कि हम लोग, बिकॉज दीपक मेरे साथ है तो मुझे इतना टेंशन नहीं है। अगर मैं अकेली होती तो शायद ज़्यादा टेंशन होता। तो हम कर लेती यार, तो शेयर हो, पता नहीं कर लेती या नहीं, पर अभी मुझे थोड़ी सी शांति है। तो जो नए लोग हैं, वही मैं बोल रही थी, उनके लिए थोड़ा सा ये सीरीज़ में उन्हें ये पता चलेगा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऑफकोर्स मैं अभी सीक्रेसी मेंटेन करके रख रही हूँ कि क्या है एक्चुअली, पर ये बहुत बड़ा मूवमेंट है जो ऑब्वियसली टाइम पे आपको पता चल जाएगा। जो नए लोग आ रहे हैं, ऑफकोर्स अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई है तो वीडियो शेयर करना, ताकि वो इस जर्नी में मेरे साथ रहें और उन्हें भी वो एक्सपीरियंस कर सकें कि क्या है एग्जैक्टली। राइट दीपक? राइट। ओके, तो अभी बाहर ही मजा लो। ये जो धूप और क्या कहते हैं स्नो का जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत अच्छा लग रहा है अभी घूमने में। मैं तो इसके ब्यूटी में ही खो गई थी इतनी देर से। सीरियसली, स्नो हो और जब सनलाइट हो ना, तो कुछ अच्छा सा फील होता है ना। बड़ा अच्छा फील होता है, सूरज की किरणें उस पे पड़ती हैं, मतलब अलग ही ब्राइटनेस सी लगती है। पूरा माउंटेन्स दिख रहे हैं। कभी बन जाता हूँ मैं, शायर बन जाता हूँ। कल तक पूरा स्नो खत्म हो चुका था यहाँ पर, आज फिर से कल रात में फिर से स्नो हो गई। तो पता नहीं इस बार क्या चाहता है स्नो। इस बार तो यार दवा के ही हो रही है, भयंकर, मतलब भयंकर ही वाली। Thank you.
हमारे विंटर शूज देखो, हमारी विंटर मेरे ट्राउजर्स देखो, कुछ भी विंटर नहीं, मेरी तो फटी हुई जींस। तो सिल्विया ने पूरी जान लगाई इस कोशिश में कि दीपक उसको ऊपर ले जाए, और ये लोग ऊपर से आए, लेकिन मैंने कहा भाई ऊपर जाओगे और इतना बड़ा बम्प है, वहाँ पे गिरने के पूरे चांसेस हैं। बाकी यहाँ पे देखिए क्या हालत हो रखी है, दो टूरिस्ट और हैं हमारे साथ। दीपक और सिल्विया आ रहे हैं ऊपर से स्लाइड करते हुए। ऑलराइट, और ये थी भाई साहब इनकी स्लाइड ऊपर से नीचे। हमें नहीं पता था यहाँ पे इतनी ठंड हवा चल रही होगी, ठंड तो इतनी है नहीं। और विजय का इलाका है और ये कुछ तो दिखाने जा रहा है। गाइस, अब वो वाला जो वीडियो था जिसमें हम लोग बाहर गए थे, अब हम आ गए हैं और हमने थोड़ी सी तैयारी कर ली है क्योंकि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं कहीं पर, और अब आपको ये जर्नी में हमारे साथ लेके जाएंगे जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। एंड बाहर हो रही है भयंकर तरीके की स्नो, तो दीपक जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ स्नो पड़ेगी कि नहीं? स्नो पड़ेगी, वी डोंट नो, क्योंकि हमें क्या पता पड़ेगी या नहीं। पर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं सब भी? उसका रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगी, पर आई वांट यू गाइस टू गेस। आप लोग गेस करो, देखते हैं कौन बहुत क्लोज पहुंच पाता है। और हम आपको इस जर्नी में अपने साथ रखेंगे क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। तो एक्चुअली हम दोनों की लाइफ में अभी जो आपने इतने दिन से ब्लॉग देख रहे थे, एक हमारी जर्नी में साथ थे, अब बहुत सारी चीजें चेंज होगी, शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो वो मेरा जो सामान है वो पीछे पूरा रखा हुआ है और हम धीरे धीरे और करेंगे। ये घर पे भी मना करने वाले, तुमने मेल कर दिया? आज करूंगा। इसको मैं दो हफ्ते से बोल रही हूँ प्लीज मेल कर दो, तो यहाँ पर 3 महीने पहले बताना होता है। तो अब जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ का रेंट देना पड़ेगा और यहाँ पर पैरेलली 3 महीने का रेंट देना पड़ेगा। तो ये यहाँ के बहुत सारे चोचले हैं, लफड़े हैं, पर क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उन सब का जवाब आपको इस सीरीज में मिल जाएगा जो कि है सुरभि मूविंग टू टाटा टाटा टाटा। चलो ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो मतलब अब जो भी हम लोग बनाते जाएंगे आपको इस जर्नी में, मैं मुझे नहीं लगता एक दिन का पूरा ब्लॉग होगा, पर 2-3 दिन का मैं बनाती जाऊंगी। फिर वहां पर पहुंचेंगे, वहां भी सामान खरीदना पड़ेगा, वहां के भी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, ऑफिशियल सारी चीज़ करनी पड़ेगी, वो सब देखो। और या बट एवरीथिंग इज गुड, लाइक जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, वो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। ये गारंटी है। एंड बाय बाय, टेक केयर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी आपको, जब तक मैं ज़रूर आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगी कि आप लोग क्या सोच रहे हो, हम लोग क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, एंड गुड न्यूज़ कौन सी गुड न्यूज़ है, वो सब चीज़ों का मैं आप लोगों का वेट करूंगी, तो नीचे कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।
डाल दिया है एंड फाइनली